मौला अली के पास है यह आपको खलीफा बनाना है इमाम ने का मुझे खिलाफत का शौक नहीं है मैं नहीं बनना चाहता इतना घर में रश हुआ कि तारीख लिखती है कि यह खौफ ताकि हसन और हुसैन क्योंकि छोटे थे लोगों के पांवों के नीचे ना आ जाए बच्चों को कुछ हो ना जाए एक तरफ बच्चों को संभाला जा रहा था यहां तक कि मौला अली को धमकियां दी गईं अगर आप नहीं बनोगे हम ये कर देंगे और वो कर देंगे इमाम ने एक जुमला कहा इमाम ने कहा मैं हाकिम बन तो जाऊं पर तुझसे अली की अदालत बर्दाश्त नहीं होगी वही लोग जो अली की तारीफें करते थे आप तलहा जुबेर को कम ना समझिए एक तरह से इनका बहुत बड़ा किरदार है मौला अली को खिलाफत पे लाने कि नहीं अली का देखो मेरी अदालत तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी अली की सख्ती तुझसे बर्दाश्त नहीं होगी एक हफ्ता किसी दीनदार आलिम के साथ गुजार के देखिए बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता है क्योंकि जाहिर है वो आपको टोकेगा ये गलत कर रहे हो वो गलत कर रहे हो कि मौलवी ने जीना ही आराम कर दिया क्योंकि हमारी जिंदगियों में इतनी गलतियां शामिल हो चुकी हैं हम ड्रामा भी इजी देख लेते हैं फिल्म भी बड़ी आसानी से देख लेते हैं वक्फे भी बड़ी आसानी से देख लेते हैं जिंदगी में कोई रुकावट कोई रोकथाम तो है ही नहीं क्योंकि वो गौर वो फोकस हमारा अपनी जिंदगी अपने टाइम अपने दिनों पे है ही नहीं कि मैं किस जगह पे खुदा को राजी कर रहा हूं और किस जगह पे बंदों को राजी कर रहा हूं इमाम ने कहा अली की अदालत तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी याली कैसी अदालत हम मुसलमान हैं आप ज्यादा से ज्यादा नमाज का हुक्म देंगे हम पढ़ते हैं हम ज़कात देते हैं हम हज करते हैं और कौन सा ऐब है हमारे अंदर ठीक है मैं फिर भी कह रहा हूं अली की अदालत तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी खिलाफत पर मौला आ गए अकाउंटेबिलिटी ऑफ अमीरुल मोमिनीन सबको जमा किया कहा मेरा न जाए पिछली खिलाफतों में क्या हुआ था जिसने जितना माल बनाया है अली को हिसाब किताबा कर दे मिसाल के तौर पर रसूल खुदा दुनिया से गए जितने मुसलमान थे किसी का मिसाल दे रहा हूं तस्वुरात के लिए किसी का बैंक बैलेंस दो हजार किसी का बैंक बैलेंस पचास हजार किसी का बैंक बैलेंस एक लाख किसी का बैंक बैलेंस तीस हजार अब जब मौला अली खिलाफत पर आए तो वो बैंक बैलेंस करोड़ों में जा चुके थे जुबैर की मिलकियत को जब मौला ने देखा मक्के में अलग घर मिस्र में अलग घर जुबैर जब दुनिया से गया करोड़ों की तादाद में उस जमाने में जुबैर अपनी माल और मिल्कित छोड़कर चला गया था और इमाम ने कहा जब हमने इस्लाम लाया था बदन पर सिर्फ दो कमी से थी और हमारे पास क्या था क्या हाल था मुसलमानों का जब इस्लाम आया तो इमाम ने कहा हिसाब किताब दो अगर इस हिसाब किताब के दरमियान किसी ने बैतुलमाल से एक दिर हम भी उठाया है अली उसके से बाहर निकालेगा किसी के बाप का माल नहीं है यह बैतुलमाल का माल है कहने लगे या अली हमने हुकूमत पे लाया आप ऊपर से हमें गरीब करना चाहते हैं हमें फकीर करना चाहते हैं इमाम ने फरमानी मैंने कहा अदालत अली तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी इमाम को मानना और है और उसकी अदालत के नीचे जिंदगी बसर करना यह और है आय मौला के पास मीटिंग रखी देखिए या अली के हुक्मरान कहते ना एनआरओ तो अली से एनआरओ मांगने आए एनआरओ चाहिए हमें क्या चाहिए देखिए पिछली हुकूमतों में जिसने जो बनाया उससे आपका लेना देना नहीं है आपकी हुकूमत में है आपकी हुकूमत में अगर हम हेरा फेरी करें अगर कोई गलत पैसा इधर से उधर हो जाए तो जो सजा आप देंगे हमें मंजूर है इमाम ने कहा मैं अली हूं अदालत का मतलब यह नहीं कि मेरी हुकूमत में नबी से लेकर अब तक क्योंकि ये अली को उस दिन इमाम समझ रहे थे अली तो तब से इमाम थे जब नबी दुनिया से जा चुके थे हिसाब किताब करूंगा और समझाने के लिए क्योंकि जब ये एन मांगने गए थे तो मोलाली कंबर को कहा कि चराग को बुझा दो हिसाब किताब चल रहा था देखा चराग बुझा दिया कंबर दूसरा चराग जलाओ फलोसॉफी ऑफ अमीर उलमोमिन समझी ये क्या कर रहे हैं एक चराग बुझा रहे हैं दूसरा चराग जला रहे हैं क्या देखो ये चिराग है बैतुल माल का और मैंने तुमसे पहले पूछा बात हुकूमत की करने आए हो या अपने जाति मामला डिस्कस करने आए हो मतलब बैतुलमाल की बत्ती जलती रहे और दस दस घंटे हम अपने घर की बातें करते रहे मतलब सरकारी बत्ती जलती रहे और ये जनाब सरकारी फोन से अपनी बीवी के साथ तीन तीन घंटे बातें कर रहा है खाना क्या बनाए ये फोन तुझे इसलिए दी गई है तू घर को फोन करे ये ऐसी इसलिए दिया गया है ताकि तू तो रिश्तेदारों को लाके बैठाए सरकारी बोर्ची तुझे इसलिए मिला है ताकि तू तो पूरे खानदान को खाना बना के खिलाए ये तनख्वाह कहां से मिल रही है बैतुलमाल है ना ये सारे हुक्मरान जहन्नुम की आग में क्यों जलेंगे क्योंकि ये बैतुलमाल से अवाम के टैक्स से अवाम के पैसे से अपनी जात पे खर्च करते हैं अली वो हाकिम था चराग बुझा दिया कहा ये पैसा अली की जात का नहीं है बैतुलमाल का है और बेतुल माल के चराग के नीचे जो हिसाब किताब हो रहा है वो भी बेतुल माल का है जब तू मेरे साथ जाती डिस्कशन करने आया है दूसरा चराग और उसके अंदर जो तेल है वो अली ने अपने पैसों से खरीदा है तला ने जुबैर को देखा जुबैर ने तलह को देखा अली से क्या बात करने आये हो जो चराग नहीं जला रहा हाँ क्या बात यह अली मसला यह है कि फला जगह पे हमें गवर्नर बना दीजिए इमाम ने का क्यों तुझे गवर्नर बनाऊ मैं सलाहियत की बुनियाद पे बनाता हूँ इस्तेदात की बुनियाद पे बनाता हूँ नहीं आली हमने आपकी बड़ी मदद की थी हुकूमत लाने में इमाम ने का मैंने थोड़ी कहा था मुझे हाकिम के तुम जबरदस्ती मेरे पास है अली हाकिम के बन जाओ तो फरमाया अदालते अली की वजह से अली से दुश्मनी हो गई